शहर आरज़ू पॉडकास्ट सीरीज का ये हमारा तीसरा एपिसोड है और आज हमारे साथ प्रोफेसर ए रामाचंद्रन हैं, जिनको जामिया बरादरी में नायर साहब के नाम से लोग जानते हैं। रामाचंद्रन साहब हमारे मुल्क के एक एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, जिनके कई बहुत ही अहम शोज होते रहे हमारे मुल्क में। उन्होंने जब अपना कोर्स शांति निकेतन से ख़त्म किया तो जामिया मिलिया 1964 में ज्वाइन किया, और उस ज़माने में जामिया में आर्ट्स इंस्टीट्यूट, जो एक फाइन आर्ट्स का इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता था जो आर्ट टीचर्स तैयार करता था। उसी में कलाम साहब जो फाउंडर थे इस इंस्टीट्यूशन के, वो उन्होंने नायर साहब को बहुत अच्छे अंदाज से वेलकम किया जामिया में, और 1978 में जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने ये जिम्मेदारी नायर साहब को सौंपी। नायर साहब को जामिया ज्वाइन करने के बाद जब उन्हें जिम्मेदारी हेड की मिली तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो अहमियत नहीं मिल रही है स्कूलों में या और मुख्तलिफ जगहों पर जो बाकी आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो उन्होंने इसको अपग्रेड किया 4 डिसिप्लिन में, और 4 डिसिप्लिन में उन्होंने BFA और MFA कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, आर्ट एजुकेशन और स्कल्पचर है। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे स्टूडेंट्स ने अपनाया इन कोर्सेज को। रामाचंद्रन नायर साहब जो हिंदुस्तान के एक बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट हैं और इस मुल्क ने उनको पद्म भूषण से नवाजा, 2 बार उनको ललित कला एकेडमी ने नेशनल अवार्ड्स दिए, जामिया मिलिया ने उनको प्रोफेसर एमिरेट्स की हैसियत से एजाज दिया। ये इंटरव्यू एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि अक्सर उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ जगहों से ब्रॉडकास्ट होते रहे इंग्लिश में, लेकिन इस इंटरव्यू की ख़ास बात यह है कि उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान को अपनाया हमारे लिए, ख़ास तौर से हमारी रिक्वेस्ट पे, और वो उन तमाम पहलुओं पे हमसे बात करते रहे जो जामिया की रिवायात थी, जो जामिया बिरादरी की खूबियाँ थीं, जो टीचर एंड टॉट की रिलेशनशिप थी जामिया में, मुख्तलिफ वो लोग जो बहुत नुमाया हैसियत रखते थे मुल्क में, उनसे ताल्लुकात जो उनके थे उस पर उन्होंने बात की, और इसी तरह से उन्होंने और भी इखलाकी बातें भी की जो जामिया के आने वाले बच्चों के लिए वाकई मशाले राह होंगी। शहर आरज़ू पॉडकास्ट सीरीज़ जो है ये हमने इसलिए बनाई है, इसलिए इसकी शुरुआत की है कि जामिया की ओरल हिस्ट्री लोगों के सामने आए। बहुत सारी किताबें जामिया के ऊपर लोगों ने लिखी हैं। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में बहुत वक्त नहीं है लोगों के पास किताबें पढ़ने का, तो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हम इस पे मुख्तलिफ लोगों को, जामिया से मुतालिक लोगों को, चाहे वो जामिया के स्टूडेंट्स रहे या जामिया में उन्होंने कुछ खिदमत अंजाम दी इस तरह से जो बहुत नुमाया थी, या वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो जामिया से बाहर के हैं लेकिन जामिया को अच्छी तरह समझते हैं, उन लोगों को हम अहमियत दे रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाली नस्लें और इस वक्त में जो लोग मौजूद हैं नौजवान, वो इसको बहुत गौर से सुने, तभी वो जामिया को समझ सकते हैं, जामिया की अहमियत को समझ पाएंगे। और एक दरख्वास्त आखिर में ये भी है मेरी आप सबसे कि सब लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को हम आगे बहुत अच्छे अंदाज से चला सकें। एक्चुअली आई डिड नॉट नो अबाउट जामिया। ए फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज आल्सो एन स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन, he was teaching in one of the public, you know, the private schools. Mm-hmm. So he told me, you know, because this Shantiniketan people also have got this Biradari affair. So wo bhi aapas mein janna chahte hain, wo ek student kaun hai, kahan rehte hain. So isliye ek relationship wo ek students ka beech mein hai Shantiniketan ka. तो इसके वजह से उन्होंने कहा देखो कला भवन
का एक स्टूडेंट था कलम साहब। कलम साहब नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी चला रहे, वो एक दिन हम देखने जाएं, वो बहुत अच्छा जगह है। अच्छा जगह इसलिए था, इस उस वक्त ओखला जो है वो तो दिल्ली का पार्ट नहीं बोल सकते थे, इसलिए इतना डिफरेंट था वो लोकेलिटी। एक्सेप्ट एक ही बस जाते थे ओल्ड दिल्ली से ओखला तक जी। तो उसमें चढ़ने के लिए 2 घंटे का एफर्ट करना पड़ता था, इतना मुश्किल था। तो हम उधर गए, लेकिन जब जामिया का कैंपस में हमने उतरा और पुराना जो आर्ट इंस्टीट्यूट अभी का जो फैकल्टी, उधर कलम साहब को मिलने गए थे। वंस वो जो बाउंड्री क्रॉस करके, स्कूल का बाउंड्री क्रॉस करके अब मैं अंदर गया, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट जगह, वो जामिया का पार्टी नहीं लग रहा था। इसलिए ब्यूटीफुली लेड आउट गार्डन था, उनका अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा हुए थे, एक अच्छा रोज गार्डन था। फिर साफ सुथरा ना, पूरा झाड़ू वाड़ू दे के साफ सुथरा कैंपस रखा था, कोई एक पेपर का टुकड़ा भी नीचे पड़ा नहीं था। तो इसलिए आई वॉज, मैंने वो जगह देख के इतना अच्छा लगा। तो कुछ जगह ऐसा होता है ना, जब उधर जब जाते हैं ये सोचते हैं अरे ये तो जगह अपना ही होना चाहिए, वो फीलिंग था जामिया देखने के बाद। इसलिए शांति निकेतन से आके शायद एक कॉलेज ऑफ आर्ट या बड़ौदा या कहीं जाने से ये फीलिंग नहीं होते थे। शांति निकेतन का एक छोटा वर्षन था जामिया उस वक्त, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन कलम साहब से जब मिला, बात किया, कलम साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं कुमार गैलरी में फ्रीलांस आर्टिस्ट होकर काम कर रहा। तो बोला तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा उसको मैंने एमए करने के बाद डिप्लोमा करने आया। अरे तुम्हारे पास एमए है, तो इधर एक लेक्चरर पोस्ट खाली पड़ा है, उसके लिए हमको मास्टर्स डिग्री चाहिए, तो लोग नहीं मिल रहा है, तो इसलिए तुम उसको अप्लाई करो। तो यही था, तो कलम साहब ने कहा अप्लाई करो, तो मैंने अप्लाई किया। फिर कुछ दिन के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो इंटरव्यू में मैं आया। तो उस वक़्त मैंने सबको मैं जानते नहीं है, सिर्फ मैं रिकग्नाइज किया 2-3-4 लोग थे, तो मुजीब साहब और एक डॉक्टर सलामतुल्ला कलम साहब और डॉक्टर निरंजन राय और अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल शायद आर्ट एजुकेशन कोर्स न्यूयॉर्क में किया था, कलम साहब के क्लासमेट थे शायद, तो उन लोगों का बहुत दोस्ती था। और जो सर क्या ईयर क्या था, 64 ही होगा, 64, यस। तो इंटरव्यू लिया, बहुत थोड़ा टफ इंटरव्यू लिया। निरंजन राय, मैं PhD किया था केरला म्यूरल्स के बारे में, तो बहुत सवाल केरला म्यूरल्स का रिसर्च के बारे में पूछा, तो मैंने जो जवाब देना दिया। उसके बाद सब मुझको देखे स्माइल करने लगे, तो मैंने सोचा ये स्माइल क्यों हुए सडनली। तो फिर मुजीब साहब का, नायर साहब कल सवेरे आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ओके। तो वैसे बोलते नहीं है इंटरव्यू में, नहीं बोलते। तो आई वाज जस्ट थोड़ा हाईली इम्प्रेस्ड। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझसे कहा नायर साहब आप जब शांतिनिकेतन से आए हो, तो हमारा जामिया को एक शांतिनिकेतन बना दीजिए। तो वो इतना अच्छा लगा मुझको सेंटेंस, अभी भी मुझको याद है। तो वो इतना इंस्पायरिंग एक मैसेज था मुजीब साहब से जी। और जो कलम साहब, सलामत साहब, उन्होंने जो इतना इनक्रेजिंगली स्माइलिंग एंड यू नो इनवाइटेड मी टू टू जामिया, वो जो एक्सपीरियंस आई कैन नॉट फॉरगेट। उसके वजह से मैं जामिया में इतने साल नौकरी किया, लेकिन कभी और कोई यूनिवर्सिटी में काम करने का
या और कोई नौकरी ढूंढने का मेरा दिमाग में कभी आए नहीं। बहुत बार बुलाए थे, नेशनल गैलरी में बुलाए थे, बड़ौदा में बुलाए थे, शांतिनिकेतन में बुलाए थे, कॉलेज ऑफ आर्ट में बुलाए थे, पर मुझको लगा अभी एक ही जगह रहना है। और मुझको बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े जो कैंपस है उसके बारे में मुझको थोड़ा नर्वसनेस है, इसलिए जितना बड़ा होता है उतना पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। तो जितना छोटा जगह है तब एक फैमिली जैसे रह सकते हैं, और उस जमाने में जामिया वास डेफिनेटली ए बिग फैमिली। कोई भी था, मैंने आई रिमेम्बर हम ज्वाइन करने के बाद मैंने मेरा शादी हुआ चमेली से, तो सलामत साहब उनको घर में बुलाया खाने के लिए, कलम साहब बुलाया, यू नो लाइक दैट। तो फिर उन लोग अपने मुझको उनका एक फैमिली मेम्बर ही ट्रीट कर दिया, ट्रीट किया। तो इसलिए वो कभी मुझको ये नहीं लगा मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ऐसा जगह था उधर स्पेंड द पूरा दिन रहने से उसको एक आराम मिलते थे मुझको। और एज एन आर्टिस्ट आई फाउंड द प्लेस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू लिव एंड वर्क। एक दिन कलम साहब ने मुझको लेके वो कैंपस का कोने में एक शेड था, वो शेड दिखाया और बोला, डायर ये अमरनाथ साहिगल, ये स्कल्पचर के गांधी जी का स्कल्पचर का कमीशन मिला था तब उन्होंने ये बनाया था, तो मैंने जगह दिया था उसको वो कमीशन का काम करने के लिए। तो अभी वैसे खाली पड़े हैं, खराब हालत में है, तुम चाहिए तो तुम ये ले लो। और बोला तुम उसको टिकटा करके अपना काम करो, कभी जामिया पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ा। तो वो भी एक अच्छा एडवाइस था, क्योंकि वो जामिया पढ़ इतना दिन रहा मैं, कोई एक सिचुएशन में जामिया का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैंने कोई भी कैंप हो वो सब मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझको कोई एक स्पेशल एक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल नहीं था। क्यों? इसलिए मेरा जो लाइफ था जामिया में, मैं 80% आर्टिस्ट और 20% जामिया एम्प्लॉय थे, तो उसके वजह से मेरा माइंड ज़्यादा अपना पेंटिंग के बारे में और काम के बारे में। और एक बार स्टूडियो मिलने के बाद, ये मेरा लाइफ का एम्बिशन था एक बड़ा स्टूडियो हो, काम कर पाए, तो मैंने थोड़ा कुछ पैसा इकट्ठा करके मैंने ठीक किया। फिर मैं परमजीत के लिए भी कहा, उनके लिए आप थोड़ा जगह दे दीजिए, ये खाली जगह वो भी बना लेगा। तो फिर हम दोनों का स्टूडियो बन गए, हम आपस में काम करने लगे। अब परमजीत का अभी एक बहुत बड़ा रोल है, हम दोनों मिलके ही जो कुछ जामिया में काम किया हम दोनों मिल गए। तो इसलिए मैं मुझको जो कुछ क्रेडिट लोग देते हैं वो क्रेडिट उनको भी इक्वली मिलना चाहिए। इसलिए वो फुल मैंने कोई एक मेरा इक्वल होने के बावजूद भी वो भी प्रोफेसर हो गए, मैं भी प्रोफेसर हो गए, तो उस वक्त भी एक कैंप या सेपरेट एक ग्रुप बन गए, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में होते एक प्रोफेसर और एक प्रोफेसर, फिर उनका अपना ग्रुप, अपना स्टूडेंट्स, ये सब पॉलिटिक्स शुरू होता है। वो नहीं हुआ बिल्कुल। इसलिए बेसिकली हम जामिया में नौकरी किया, वो नौकरी का एक फीलिंग नहीं था, इट वॉज लाइक ए वेरी हैप्पी ओकेशन ना, लाइक सवेरे जाओ, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, सारे हरियाणा से आते थे, गांव में से वो सब सिंबल थे, वो ऐसे बोलते थे सर जी बहुत मार्क्स दिए ऐसे कर ऐसे कर, बट उन लोग आर्टिस्ट नहीं बने, बट एज ह्यूमन बींग्स दे वर वेरी नाइस पीपल। एंड इन दोज डेज 80% हिंदू स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स कम थे, बट उन लोग इतना प्यार से टीचर्स मेनली मैंने मुस्लिम टीचर्स थे, उनको भी बहुत इज्जत देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार करते थे। तो इसलिए उधर एक अभी का जो सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो जो डिफरेंसेस वगैरह ये सब ही नहीं था, था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं था। इसलिए इसलिए जो जामिया का मेरे सारे कोलीग्स है दीपावली के दिन में मेरे घर आते थे, और ईद के दिन में मैं और परमजीत, उस वक्त मैं शादी भी नहीं किया था, हर घर में जाके आग करना और वो क्या नाम है उसका जो स्वीट वीट, हाँ सेवैया खाना, ये सब तेजी आदत थे, सब सब लोग जानते भी था। स्पेशली मैं टिप्पू महल जो मंसल जो मकान है उधर आशमी साहब जो ऊपर रहते थे, उन्होंने कहा आप नायर साहब आप इधर आइए ये खाली पड़े हैं, तो उस वक्त 350 रुपया था किराया, किराया उसका किराए तो 350 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट, सैलरी 700 ही था। तो मैंने सोचा क्या करें, फिर मैंने सोचा ले ले देख लेगा, तो मैंने जाके कुमार से कहा तुम कुछ ना कुछ बेच के मुझको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो, इसलिए मैं को अच्छा मकान ले रहा, एक तो मैं फिर बस में आने जाने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या जंगपुरा में रहते थे, फिर उधर ही मैं स्टूडियो है रात तक काम कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट किया जामिया में, तब मैंने राहुल जस्ट पैदा हुआ था कुछ दिन, और मोली थोड़ी छोटी थी, तो हम आया एक बार और ऊपर आशमी साहब और फैमिली रहते थे, उनका 3 बच्चे थे, जो लड़का हम जब गया ये उसके 1 हफ्ते पहले ही पैदा हुआ। अच्छा, तो फिर वो एक फैमिली हो गए, जैसे वो बच्चे खेलते रहे, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं था, 5 बच्चे हैं प्लस एक सर्वेंट भी था छोटी सी लड़की, तो सब खेलते खेलते रहते, हाँ तो तुमने देखा होगा, तो घर बड़ा था, कैंपस था, बड़े सिक्योर था, कोई एक प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए आई हैड ए वेरी पीस ऑफ माइंड, प्लस चमेली घर संभालते थे, मैं क्लास के बाद 6 बजे तक बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलते थे, फिर उसके बाद पेंटिंग करने जाते थे, बट थोड़ा सा कॉलेज डेज में काम करने का टाइम मिलता नहीं था जी। तो उस वक़्त मुझको जो पेंटिंग में एक कंटिन्यूटी चाहिए, वो जैसे डेवलप करना है एक पेंटिंग से और एक पेंटिंग में डेवलप करने का, वो थोड़ा ब्रेक हो जाते थे बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज़ सारा उन्होंने दे दिया, टाइगर रोज का इंचार्ज बना दिया, एक्टिविटीज़ करो, लड़कियों से कुछ फोक डांस करवाया, ऐसा कुछ करते थे, बहुत मज़ेदार, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट्स अभी भी आते हैं मेरे पास, इमेजिन वो इतने बुढ़े हो गए उसको देख के मुझको लग रहा है मुझको ऊपर जाना चाहिए जल्दी जल्दी, इतना बुढ़े हो गए, बट वो उस टाइम में स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल था। नो डाउट, प्लस जामिया का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर ये था, उधर सारे लोग बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, रियल यू नो है वो क्या, मैंने मुगल ट्रेडिशन का जो तमीज से तैयब जी और ये सब का, और जो अदावर्स करना और बिल्ली को भी आप कहना, ये सब टिपिकल था उस वक्त, तो मुझको बहुत अजीब लगते थे बिकॉज मैं जंगपुरा में रख के आया, उधर डेली मैंने लोग नेक्स्ट घर में औरतें लड़ाई कर रहे हैं और सड़क में आदमी खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, यही था एटमोसफियर। तो मैंने सोचा दिल्ली कैसा सिटी है, इधर अभी भी इधर भी ऐसा ही है, तो इधर एक कॉमन कल्चर नहीं है लोगों को, पता नहीं है क्यों, मुझको समझ में नहीं आता, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर में एक सोफिस्टिकेशन होता है वो नहीं है, वो नहीं है सर। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए ना दिल्ली में, आए हैं कुछ तो पार्टीशन का प्रोडक्ट्स है, सब कुछ सिनिकल हो गया लोग, फिर पैसा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बनाना वही है बस, बाकी कुछ नहीं, तो वैल्यू सिस्टम शिफ्ट हो गया। और जामिया में ट्रू जो जैसे केरला में था मेरे, उस वक्त केरला में भी मेरा घर स्टूडेंट्स जो क्रिश्चियंस मुस्लिम्स
उनका फेस्टिवल्स में जाते थे हम, ईद में उधर भी मुस्लिम स्टूडेंट्स वेरियस फ्रेंड्स थे, बुलाते थे. तो आई एम कमिंग फ्रॉम ए प्लेस लाइक केरला, उधर ये जो जो क्लासिफिकेशंस एंड डिस्टिंक्शन अभी जो देखते हैं वो है ही नहीं था. हमको मालूम भी नहीं है ये डिफरेंसेस हैं. तो वो नॉर्थ इंडिया में आके मुझको ये दिखाने लगे ज़्यादा है. बट जामिया में फॉर्चुनेटली नहीं था, इट वॉज लाइक ए स्मॉल आइलैंड वेयर एवरीबडी यू नो लिव्ड इन विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. उस वक्त इफ आई गेट डाउन एट होली फैमिली हॉस्पिटल एंड वॉक एट नाइट इवन 2 o'clock, पीपल नो हु आई एम, यू नो दैट वॉज इतना वो लोग मुझको जानते थे. मे बी बिकॉज ऑफ माई चाइनीज वाइफ एंड तो बट एनी वे वो तो इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्लस तुम लोग जैसे थे जो मदद करने के लिए हर वक्त, तो इसलिए वी नेवर फेल्ट आउटसाइड द जामिया फैमिली. वी आर मेंबर्स ऑफ द जामिया फैमिली, इवन नाउ वी कंसिडर वी आर ए पार्ट ऑफ जामिया फैमिली. वॉट एवर मे बी दी अदर थिंग्स हैपेंड और हो सकता है, बट दीज थिंग्स डजंट अफेक्ट मी बिकॉज I am much above all these things and exactly. I look at things differently. Then main thing happened is that I know I could, because I started working in Jamia, I knew most of the professional artists. So they started coming to Jamia. So Krishan, Tayab, Gaitonde, you know, Tayab to bahuti often aate the. Phir tum jante ho bahar se bhi. बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे. तो उन लोग जब आते थे मैं कैंपस में ले जाके अपना स्टूडियो में ले जाते थे, बाकी जगह दिखाते थे. उन लोगों को सब जामिया बहुत अच्छा लगते थे बिकॉज इट इज लाइक ए पिकनिक डे फॉर दैम. दिल्ली से हमारे घर आया, खाना वाना खाया, बच्चों से मेरा स्टूडियो में आया, काम देखा मेरा, और काम देख के उन लोगों को क्रिटिसाइज किया या डिस्कस किया, ये सब चलते थे. उस वक़्त आर्टिस्ट बहुत क्लोजली ये था, बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप था. किसी के पास पैसा नहीं था तो सब हम्बल थे, आज जैसा नहीं है. तो आर्टिस्ट को ये थोड़ा जेलसी भी लगा, मैं इतना अच्छा जगह में, मुझको एक स्टूडियो मिला है और वो भी इतना बड़ा स्टूडियो, और उधर ये सारा दिन काम कर सकते हैं, बड़ा कैनवास बना सकते हैं. तायब बार बार कहते थे यार तुमको कितना अच्छा जगह मिला है. तो ये था. तो फिर बाद में तायब मुझसे कहा एक जगह ढूंढो यार मेरे लिए भी. तो मैंने डॉक्टर कांत का जो गैरेज था वो 10 रुपया में 10 रुपया ऐसे चिप बहुत सस्ता दिया. तो तायब उधर 1 साल काम किया. अच्छा. उसके बाद वो बॉम्बे चले गए लास्ट डेज में. तो फिर पहले हम टीचर्स कॉलेज में था, तो टीचर्स कॉलेज में मैं और परमजीत, इस तरह आर्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं था बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट फैकल्टी में था. जी. तो फैकल्टी में मेरा कोलीग परमजीत था. तो परमजीत फिर बाकी क्राफ्ट टीचर्स में त्यागी साहब और बाकी 2-3-4 लोग थे ना, तो मैं भूल भी रहा हूँ नाम. हाँ, बट वी वुड वर्क यू नो कार्डबोर्ड मॉडलिंग एंड मेहंदी साहब, ये सब लोग थे. तो लोग भी बहुत अच्छे लोग थे. और सलामत साहब बहुत डिसिप्लिन आदमी थे, काफ़ी काम करवाते थे मुझसे भी. तो बट उनका एक डिसिप्लिन आदमी था, तो वो गुस्सा भी करें कुछ बोले हम वी डोंट गेट अफेंडेड. इसलिए वो कहते हैं वो एक तरफ से वो प्रिंसिपल होके उसका जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सोच के काम करते हैं, लेकिन उससे निकल के बाहर
तब नायर साहब आप कैसे करिए थे इन्हें बच्चे ठीक है ऐसे बोलते हैं, तो वो जो डिस्टिंक्शन वॉज वेरी क्लियर. सो एवरीबडी अंडरस्टूड सलामत साहब इज ए हाईली डिसिप्लिन्ड यू नो टीचर एंड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द यू नो इंस्टीट्यूशन. ही हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स, ही वोंट चेंज. सेम थिंग इन दोज डेज पीपल हैड प्रिंसिपल्स विच टुडे देयर इज नो प्रिंसिपल्स. Because of their principles, even if they do things, if they scold you, if they reprimand you for something, we do not feel anything bad. Because we know that they are only like your parents, pointing out. We are young teachers, so we always treated that way, especially. Kalam Sahib was a very difficult man. That is what I wanted to ask you. Kalam Sahib was such a difficult, even when I am walking to my studio on the lawn, some student has, thrown some paper or something. Nair, ye paper kaise aaya? So I said, I didn't do it. Uta. So I go and pick it up. Chalo, dustbin mein dalo. So I used to go and do. So even I am a teacher there, but मुझको ऐसा डर थे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डांट देते तुम जानते हो. बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत डांट खाई है उनकी. तो वो स्पेशली उसका जो सर्टन स्ट्रेंज हैबिट थे, जैसे चप्पल नहीं अंदर ला नहीं सकते, वो शांतिनिकेतन से लाया उन्होंने. तो बिकॉज शांतिनिकेतन में कोई चप्पल क्लास रूम के अंदर नहीं पहन. तो बट मैंने सुना तुम्हारे जूता उठा के फेंक दिया पानी में डाल दिया और बहुत गुस्सा किया. मैं नहीं, 10-15 स्टूडेंट्स जो थे हम सबके जूते हमने उठा के पानी में डाल दिए. आई एम नॉट सरप्राइज्ड. कलम साहब वाज लाइक दैट, यू नो. या आई नो मेनी टुडे नो टीचर कैन डू सच थिंग्स. नो टीचर कैन इवन से सच थिंग्स. अभी तो करेंगे तो नेक्स्ट डे धरना हो जाएगा. So but that time, time was like that. Exactly. We respected elders. We even with their, special qualities or difficult temperaments, we could adjust with them because we had a lot of respect for them. Exactly. And when they are good, when they are in a good mood, they show a lot of affection also. Because, so that is a thing. I remember I had two children. I went to see him myself, my wife Chameli. So we both were carrying one child. तो ऊपर से बोल रहे और तीसरा होगा तो कौन लेगा, तो बच्चों को कौन उठाएगा. It was like that, yes. That was it. They were very frank about all this. So, then when I told that to Masood, Masood jokingly said, he never said anything to his younger brother. Yes. Jesus. So I say. Sir, when you joined Faculty of Fine Arts Institute, I should say, it was a 2 years diploma course. But you upgraded this course into 4 different disciplines, applied or painting or art education or sculpture, with BFA and MFA courses. So what was your idea to start such kind of courses or upgrade the department? Actually, हमारे वो जो history है art department का वो थोड़ा strange है. जो कलम साहब ने जो ओरिजिनल आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट बनाए थे उस वक्त 2 साल का एक डिप्लोमा चलाते थे, टीचर्स ट्रेनिंग, आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स. तो उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते थे वो मेनली एक तरीके से काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो है नहीं था, इसलिए मोस्टली फ्रॉम हरियाणा और गाँव से आते स्टूडेंट्स आते थे. क्यों? इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट या जो छोटे जगह में उनको टीचर्स का जॉब ईजिली मिल जाते थे इसको ये रिकग्निशन के वजह से. और उस वक्त जो डिप्लोमा चलाते थे वो दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड था.
तो ये चलते रहे जज, इतना साल चले वो ठीक चला, लेकिन एक पॉइंट में दिल्ली गवर्नमेंट और एजुकेशन यू नो द डायरेक्टरेट दे चेंज द क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन इन द स्कूल BFA और MFA समथिंग लाइक दैट MFA फॉर पोस्ट यू नो प्लस टू लेवल. सो वंस दे चेंज द क्वालिफिकेशन ये डिप्लोमा बेकार हो गया. ठीक है, बिकॉज नोबडी प्राइमरी स्कूल में आर्ट टीचर का एक स्पेशल पोस्ट नहीं होते, इसलिए जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं जो डिप्लोमा हमारे उधर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में था उसमें आर्ट भी था एज एन एक्टिविटी, तो उन लोग ही प्राइमरी स्कूल में जो लैंग्वेज टीचर या मैथमेटिक्स टीचर भी वो पढ़ा सकते थे, इसलिए एक स्पेशल पोस्ट नहीं था. तो इसका वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स जो है दो एक आई थिंक दो तीन साल चला, तीन साल नौकरी नहीं मिला, सारे आके हमारे डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे. अब मुझको कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, मैं तो टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते थे, आर्ट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ही मुझको मालूम नहीं था. बट आर्ट डिपार्ट ये जो जो आर्ट इंस्टीट्यूट था उसको फैकल्टी बना के, टीचर्स कॉलेज को फैकल्टी बना के दो डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन. तो उस इसलिए हमको टीचर्स कॉलेज से निकाल के इधर भेजा, इसका पार्ट हो गया. तो कलम साहब हेड थे, बाकी मैं आई थिंक मैंने लेक्चरर था, बाकी लोग आई थिंक जूनियर लेक्चरर थे. निश्चित थे और मैंने हमारे जगुभाई शाह वगैरह, बट दे ऑल रिटायर्ड वेरी सून एंड वेंट अवे. तो इवन देन वी आर कंटिन्यूइंग द कोर्स. तो बोल्ली कलम साहब छोड़ने के बाद ये इश्यू निकला है. जब निकला आया तो हम मैं और परमजीत इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचने लगे, और मैं नहीं बहुत सारे जो कुछ स्टाफ थे जो कॉलेज ऑफ आर्ट वगैरह में पढ़े थे वो लोग भी फील किया ये तो चलेगा नहीं ये कोर्स, ये नाइदर हियर नॉर देयर, प्लस यू नो देर वॉज प्रॉब्लम विद दी टीचिंग ऑफ यू नो मैकेनिकल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग. तो वो भी अभी फाइन आर्ट्स कोर्स से जो करते आ रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट ही मालूम नहीं है अभी, बिकॉज कोई आर्ट इंस्टीट्यूशन में ज्योमेट्रिकल मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ाते नहीं है. तो उसी सिचुएशन में जब स्टूडेंट्स वापस आके मैंने ये कहने लगे आप लोगों ने हमको बेकार बना दिया थ्री क्लास, ये डिग्री से कोई फायदा नहीं है डिप्लोमा से, तो फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं इसमें. तो मैंने और परमजीत ने और बाकी लोगों ने बाकी मैंने जो डिप्लोमा मैंने जो एक्चुअली प्रॉपरली सीखा है उन लोगों ने ये डिसाइड किया वी शुड स्टार्ट ए BA ऑनर्स इन आर्ट एजुकेशन तीन साल के लिए एक्सटेंड करें. तो वो शुरू किया लेकिन उसका भी रिकग्निशन नहीं मिल रहा था. तो एक दो साल चलाने के बाद हमको मालूम हुआ यही ये डिग्री भी बेकार है. तो जो स्टूडेंट्स वापस आके कहते हैं सर आप सर्टिफाई कीजिए हमारा कोर्स जो है यू नो अप्रूव्ड है, उसमें एक प्रॉब्लम ऐसे खड़े हो गए थे वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. देन मायसेल्फ परमजीत वी थॉट लेट अस डू सिंपल एंड स्ट्रेट BFA एंड MFA, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. बिकॉज जामिया डिग्री देने के बाद स्टिल वी हैव टू गो एंड गेट से इज अ रिकग्नाइज्ड डिग्री वॉज डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी प्रिंसिपल सेंडिंग नोट दिस इज नॉट एन अप्रूव डिग्री. तो इन दैट सिचुएशन वी डिसाइडेड द बेस्ट थिंग इज वी ट्रांसफर इट इन टू ए प्रॉपर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स. सो दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ दैट. तो विद द रिजल्ट
we took a risk. At that time, you know, Jamal Sahab was the vice chancellor. So we explained to him, he was very nice, he agreed. But the problem is that who will give the staff, who will give the facilities? Mm-hmm. In those days, the art department ko bahut kam paisa milte the. So isliye we were very hesitant, you know, kya karenge? So maine aur parents se discuss karke bola, yaar hum hi padhaye. Kya problem hai? Humko aata hai. मैं तो स्कल्पचर बढ़ा सकता हूँ, मैं पेंटिंग बढ़ा सकता हूँ, मैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ा सकता हूँ, तुम भी पेंटिंग बढ़ा सकते हो, ग्राफिक आर्ट कर सकते हो, तो लेट अस पुल इट अप. तो यू वोंट बिलीव, हमने 35 पीरियड्स अ वीक पढ़ाया इन दोस डेज, कोई स्टाफ नहीं था. तो इवन जो प्रॉपर अपॉइंटमेंट किदवाई का हुआ स्कल्पचर में, उसके पहले मैंने ही स्कल्पचर क्लास लेते थे. सेम थिंग अप्लाइड आर्ट शुरू होने के पहले मैंने अप्लाइड आर्ट और आधा परमजीत पढ़ाते. तो फर्स्ट बैच का जो बीएफए स्टूडेंट्स को हमने पूरा ताकत लगा के वी ट्राई टू मेक ए इम्पैक्ट, जैसे हम पढ़ा सकते हैं और अच्छे तरह पढ़ा सकते हैं. वैसे स्टूडेंट्स खराब नहीं था, और बट प्रॉब्लम ये था, इफ़ आई लुक बैक, उस ज़माने में जो फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स था, हमने उनको बहुत ज़्यादा सर में चढ़ाया. अच्छा, इसलिए फर्स्ट बैच था, इतना इनक्रेज किया, उन लोग खराब हो गए. तो फिर बाद में लगा मुझको, स्टूडेंट्स को इनक्रेज करो, बट उनको ये नहीं बोलो तुम एक जीनियस है, बोल दिया है तुम बहुत अच्छा है. तो वो सोचने लगे ये तुमको भी आते नहीं है, मैं जितना कर सकते हैं. एक एटीट्यूड आ गया स्टूडेंट्स में. आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज. माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट दे थॉट दे आर सरपासिंग देयर टीचर्स. मैं परमजीत कुछ नहीं है, ऐसे हो गया. तो देन आई फाउंड नो, इतना भी सिर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है. तो उसके बाद वी रीऑर्गेनाइज्ड आवर सिस्टम ऑफ टीचिंग, वी केप्ट अ सेफ डिस्टेंस एंड देन टॉट, देन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्रॉपर शेप. तो उसो द फर्स्ट बैच वी ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स, वी मेड देम डू प्ले, वी यू नो वी ट्राई टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. देन वी ऑल्सो एनकरेज जो पेंटिंग का स्टूडेंट जाके स्कल्पचर करे, स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट करे. बट देन बाद में वो व्हेन वी रियली अपॉइंट द टीचर्स एंड गिव देम ईच सेक्शंस, देन दैट आल्सो स्टॉप्ड, बिकॉज़ स्कल्पचर वोंट अलाउ पेंटिंग स्टूडेंट्स टू गो, ग्राफिक आर्ट वोंट अलाउ पेंटिंग स्टूडेंट टू गो, ऐसे हो गया. सो दैट वॉज द, इट वॉज अ काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल इट, growing period of the department, meaning of the faculty, fine arts. So that growing period was quite difficult to handle. Fortunately, we both, Paranjit and myself, could handle many classes ourselves and teaching updated, you know, because we knew what is happening in Baroda or College of Art or other places. So we brought that kind of a level of teaching. But then it was too much of a work. At those years I really suffered, you know, quite a lot, because I couldn't do much of my work, and most of the time we were running after the vice chancellor to get some facilities and things. Kidwai sahab bahut encourage kiya, sab kuch kiya, but unka interest mass communication mein tha. To isliye he did not do much or nor give a staff except one you know post of this sculpture. So you introduced dramatics also in dramatics. There was this our Kushid. Kushid was teaching. Kushid was teaching. Kushid was dramatics. No, because there was a post of dramatics. Acha. Rashid Nawani sahab.
Oh, was yes. originally yes. holding a post yes, yes, yes. as drama teacher. Mm-hmm. Mm-hmm. Because teachers college had, you know, because it is based on basic education policy principle, they thought teachers should have some kind of knowledge in extracurricular activities, mm-hmm. whether it is craft subjects or yeah, theater or music or so. Music teacher bhi tha Hilal sir padhate. So that was a very beautiful yes. idea, educating everybody. But later, you know, when the posts, you know, came to us, these two posts. So we appointed, you know, Kushid. Kushid did one or two play in the initially. He did some interesting play and everything. But Kushid somehow lost his art and went away. Hmm. You know. So after that, you know, we didn't. I don't know what happened to that post. Maybe someone else was appointed or something. अब तो है नहीं पोस्ट सर आजकल पोस्ट नहीं नहीं है अब नहीं हाँ तो वो तो फिर बाद में उसको अबॉलिश किया होगा अबॉलिश किया देवर ऑल इन देवर ऑल नॉट फुल टीचर्स जी इट वाज इंस्ट्रक्टर और समथिंग ही वाज ऑन इंस्ट्रक्टर्स पोस्ट दैट्स व्हाई तो इंस्ट्रक्टर पोस्ट में अच्छे लोग तो आएगा नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा इट इज टू स्मॉल पोस्ट बिल्कुल नहीं तो इसलिए वो पर कदम हो गए सो दैट इज व्हाट हैपेंड सर आपका जो स्टूडियो था वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंस्पिरेशन थी एक्चुअली जब आप जाते थे वहाँ काम करने के लिए और हम लोग देखते थे आपको काम करते हुए और मैं समझता हूँ आपके जितने भी इनिशियल जैसे नेशनल अवार्ड या अवार्ड्स और रिकग्निशन जो मिले वो वहीं उन्हीं दिनों मिले आपको स्टूडियो में तो ये जो स्पेस आपको मिली काम करने के लिए इससे और लोग भी इंस्पायर हुए वहाँ पे फाइन आर्ट्स में कि जो चाहते थे आर्टिस्ट बनना थे कुछ लोग ऐसे जो चाहते थे आपकी तरह से कुछ काम करें और आगे बढ़ें या सिर्फ आप दो ही लोग मुझे नजर आए जो काम करते थे वहाँ पे उस जमाने में एक्चुअली देखो आर्ट मार्केट आज जैसा नहीं था तो इसलिए बहुत सारे लोग आर्ट को एक प्रॉफिटेबल एरिया नहीं मानते पीपल लाइक तायब भी यू नो बिना पैसा से घूम रहे थे तो उस जमाने में प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते थे इवन इफ स्टूडेंट्स हैव सम टैलेंट एंड थिंग्स लाइक दैट आई नो दो नॉट टू स्टूडेंट्स हु हैड सम टैलेंट बट फाइनली दे गर्ल शी विल गेट मैरिड एंड गो अवे और दे टुक ए जॉब टीचिंग जॉब एंड देन they become very mediocre. So that is because they never get an atmosphere to develop. And then plus, you know, it was in those days ek artist bolne se koi prestige to nahi tha. Wo to ek Hussain saab chhod ke baki kisi ko itna prestige to hai nahi tha. So isliye I don't think students were that attracted. So abhi bhi pata nahi kaisa hai. उस जमाने में सिर्फ अप्लाइड आर्ट के लिए सभी अप्लाई करते थे अभी भी कुछ इंप्रेशन ऐसा ही है हाँ तो अप्लाइड आर्ट में नहीं मिलता तब दे ऑप्टेड फॉर पेंटिंग और स्कल्पचर एजुकेशन तो वो भी है तो जी सर अभी पता नहीं है अभी थोड़ा बदल गया बिकॉज पेरेंट्स को ये मालूम हो गया पेंटिंग भेज सकते हैं इफ नॉट इन गैलरी नहीं है तो इवन कंप्यूटर से भेज सकते बिल्कुल तो अभी तो आर्ट मार्केट डिफरेंट हो गया तो आर्ट मार्केट डिफरेंट हो गया इसीलिए हम लोगों को लोग थोड़ा बेटर कंसिडर करने लगे देखने लगे बट उस जमाने में कुछ नहीं नेशनल अवार्ड मिला ठीक है कुछ अवार्ड मिला ठीक है बट वो तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है पर बड़ी बात ये था मुजीब साहब वाइस चांसलर हर कॉन्वोकेशन में हमारे नाम बोलते थे अच्छा मेरा नाम दीक्षित का नाम और परमजीत का नाम अच्छा वे बोलते थे ये तीनों आर्टिस्ट हमारा बहुत बड़ा असेट है ये लोग काम करते तो मुझको बहुत यू नो ये मुजीब साहब के बारे में आई स्टिल रिमेम्बर हिम दैट वे ही वॉज अ वेरी जेनरस ह्यूमन बींग
वेरी कल्चर, वेरी सोफिस्टिकेटेड. तो उनसे मिलना और बात करना वो ही एक एक्सपीरियंस था. मुझको उर्दू आते नहीं है, बट मुझे सब बोलने में उर्दू आता है. तो इतना वो उर्दू, सिंपल उर्दू बोलते थे, उसको समझ में आते थे. तो इसलिए वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी थे, इंस्पायरिंग आदमी थे, इंस्पायरिंग लीडर थे जामिया के लिए. उस वक्त का जामिया का जो बिहेवियर पैटर्न, लोगों का यू नो आपस में रहने का पैटर्न सब बिल्कुल अलग था. वो बाद में बहुत चेंज हो गए, कदम भी हो गए. तो मुझको लगा लीडर डिफाइंस दी एटमोसफियर. ठीक है ना. तो मुजीब साहब में वो था. आई रिमेम्बर एक वेरी फनी सीन. मुजीब साहब ने कहा बच्चों से, तुम लोग ये पेड़ पौधे देख रहे हो, उसको सब तुम लोगों को प्यार करना चाहिए. पेड़ पौधे बहुत ज़रूरत है. तो जामिया कॉलेज का लड़के सब बाहर निकाल के आसपास का पेड़ को हगिंग करने लगे. अच्छा सर, आपकी बड़ी एसोसिएशन रही उर्दू के साथ जामिया में, जब जब आपने कुछ एक दो साल रह लिया और फिर आपको काफ़ी एसोसिएशन रही. और खास अच्छा, हमने तो ये भी सुना आपने कुछ गज़ल भी गाई बाकायदा वहाँ किसी फंक्शन में. हाँ वो तो क्या, उस वक्त गा सकते थे अभी गाने से. बट सिर्फ यही है, मैं गाते थे तो मसूद वगैरह हंसते थे. अच्छा. तो इसलिए वो लगता नहीं है दिल में, वो खाक हो जाएंगे, वो मेरे से होते नहीं. तो इतना मुश्किल था जी. मैं वो बार बार कहते ये ठीक नहीं. तो मैंने सोचा चलो कुछ उर्दू वर्ड जो है मेरा पल्ले में बढ़ेगा. एज ए ट्रू मलयाली आई हैव सम कैरेक्टर वेरी डिफरेंट. अच्छा, शमीम हनफी साहब के साथ आपकी बड़ी एसोसिएशन रही. होता है शमीम साहब से. बल्कि आपने कुछ उर्दू में डिजाइन किया. होता लेटर स्टेज में. जी, लेटर स्टेज में. तो बट मैं और एक बात बताओ, मधोली साहब थे. मधोली साहब बहुत उर्दू का ये ना झंडा प्रोपगेट. तो मुझको कहा नार साहब उर्दू सीख लीजिए. अच्छा. तो बार बार का मैं आता हूँ घर, आपके घर में. तो आया किताब लेके पढ़ाया. और मैं बहुत मुश्किल से, मुझको एक स्टेज में के बाद ये अल्फाबेट्स वगैरह पढ़ना बड़ा मुश्किल है. तो मधोली साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत इतना अच्छा आदमी था. वो आते थे, उसको इनॉर्मस पेशेंस भी था उसको पढ़ाने में. जी बिल्कुल. बट दो महीने के बाद उनको लगा इससे ये मलयाली रहे, इसको लखनऊ में ला ही नहीं सकते. नहीं ला सकते. तो इसलिए फिर बंद कर दिया. तो ये मेरा उर्दू लड़ी. बट उर्दू का असल इंटरेस्ट जो है शमीम साहब से. जी. शमीम साहब जब आए तो हमारे अपोजिट साइड में रहने लगे. तो जल्दी जल्दी हम फ्रेंड्स हो गए. इसलिए शमीम साहब बहुत सोफिस्टिकेटेड. जी. बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट था. एक तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत इन्वॉल्व है, राइटर है ऐसे. फिर उनको जो बहुत सारे राइटर्स को इंडिविजुअली जानते थे ये सब था. तो मुझसे बहुत क्लिक किया. वैसे वी बिकेम वेरी ग्रेट फ्रेंड्स. तो शमीम साहब और मायसेल्फ वी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स. तो उस वक्त जमुना नदी अच्छे थे, अभी नहीं था. ऐसा नहीं था, साथ साथ एक पगडंडी था और बाकी जंगल था. तो हम चलते चलते जाते थे. सिर्फ गांव वाले एक दो साइकिल में चले गए या दो तीन औरतें सर में कुछ जो लकड़ी वकड़ी लेके जा रहे, उसके अलावा कोई नहीं था. तो वी यूज टू गो लॉन्ग वॉक. आई यूज टू गो इन सच वॉक, यू नो. That is also second time I started getting interested in that Jamia, in an environment that nearby places. So on the way, Shamim Sahib used to talk about Urdu literature and writers, especially about Manto, Sadat Hasan Manto. So Manto ke bare mein jitna unhone sunaya, usko bahut touch kiya andar. फॉर टू रीजन्स.
वन मैं एक मलयालम लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझको मलयालम राइटर्स को बहुत पर्सनली मैं जानते हैं, सारे सीरियस बहुत सारे फेमस राइटर्स जब मैं एमए कर रहा था, मोस्ट ऑफ देम आई न्यू पर्सनली एंड दे वर वेरी ग्रेट पीपल, तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय ग्रोथ. आई रेड क्वाइट अ लॉट इन मलयालम लिटरेचर, एस्पेशली बशीर. वैकम मुहम्मद बशीर वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट राइटर्स इवन टूडे. तो 12 साल में मैंने बशीर पढ़ा एट द एज ऑफ 86. अभी भी उसका राइटिंग याद करें तो मुझको इतना एनर्जी मिलता है, इतना ग्रेट राइटर था. तो मंडो का भी मैंने जब सुना, मुझको लगा ये मंडो इज नॉट एन ऑर्डिनरी राइटर. ऑफकोर्स देर आर मेनी गुड राइटर्स उर्दू, बट सम पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दे कैन, देर आर सो मेनी गुड राइटर्स, बट किसी को एक ऐसा स्पार्क मिलता है विच बिकम्स वेरी यूनिवर्सल. उसका राइटिंग में एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है. मतलब मंडो के कहानियाँ ये शमी साहब सुनाते थे, वो सुनने के बाद मुझको लगा मंडो इज वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हु कुड टच द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नो, इन द रॉनेस ऑफ लाइफ. दैट वॉज इन हिज लैंग्वेज, हिज ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग वॉज समथिंग लाइक दैट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नो फ्लावरी लैंग्वेज. सो मोस्ट ऑफ द राइटर्स दे यूज सच फ्लावरी लैंग्वेज, स्पेशली इन उर्दू. शमीम साहब के एसोसिएशन में मैं जनरली उर्दू लिटरेचर के बारे में थोड़ा आइडिया मिला एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन मंडो. देन ही आस्क्ड मी ही टू कम टू माई स्टूडियो लुक एट माई वर्क, एंड बिकॉज वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू कम टू माई स्टूडियो टू सी द काइंड ऑफ पेंटिंग आई वॉज डूइंग इन दोज डेज. तो उसके बारे में एक जोक सुना दे. तो उस वक्त मेरा पुराना जो स्टाइल था हेडलेस बॉडीज था ना, तो वो बनाते थे. तो बारिश के टाइम में वो पुराना जो टिन शीट था उसमें से पानी गिर के गीला हो जाते थे स्टूडियो, और फिर ये चीटे निकलते थे वृक्ष के नीचे, और बहुत सारे चीटे चढ़ के छत के ऊपर जाते थे वो टिन शीट जी. फिर मैं पेंटिंग करता मेरे ऊपर गिरते थे तो उसको हर वक्त झाड़ना पड़ता था, काटता भी था जी. तो मैं जाके कलम साहब से कहा, कलम साहब बहुत मुश्किल हो गया. बोला क्या हो गया? बोला बारिश की वजह से चीटे निकल रहे, वो ऊपर जाके मेरे ऊपर गिर रहा है और काट रहा है. तो बोला यार तुम ऐसा पेंटिंग बनाते हैं, चीटे काटेगा नहीं है तो क्या करेगा, तुमको प्यार करेगा? तो वो कलम साहब. एनीवे, शमीम साहब ने मुझसे एक हाथ आप एक मैगजीन है, उसका नाम था बलराज मनराज का मैगजीन जी, उसका नाम है दस्तावेज के लिए. दस्तावेज एक स्पेशल इश्यू मंडो का बना रहे हैं, उसमें उनका कहानियाँ इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, बाद में इंडिया में, फिर पाकिस्तान में बैन किया गया स्टोरीज, वो स्टोरीज का एक कलेक्शन निकाल रहे हैं. तो आप उसका इलस्ट्रेशन बनाइए. तो फिर सुन, मैंने बैठ के ऑल इज फेमस कोल दो बू बू धुआ जी, ऊपर नीचे दरमिया जी, तो वो इतने सारे ठंडा गोश, ये सब बहुत फेमस कहानी है. तो उन्होंने कहानी सुना दिया, उन्होंने कहानी सुनाई, फिर आपने इसको पढ़ के सुनाया. तो पढ़ने के बाद मैंने उसका बनाया, फिर मैंने सोचा है ना मैं उसको एचिंग बनाऊँ. अच्छा. तो फिर मैं घड़ी में जाके प्लेट में एचिंग किया, सॉरी एचिंग करके देशराज से उसका प्रिंट निकलवाया जी.
फिर मैंने कहा आप ऐसा कर लीजिए, लेट अस मेक ए पोर्टफोलियो. तो 10 पोर्टफोलियो बनाया. अच्छा इसका अभी मेरे पास एक है जामिया में, लाइब्रेरी में एक है. और पता नहीं शमीम साहब के पास है या नहीं, बाकी पाकिस्तान में है. ओ, मैंने 7 जो है वो पाकिस्तान में, 3 हिंदुस्तान. आई थिंक सो दैट्स दे सेंड टू पाकिस्तान. शमीम साहब जानते होंगे. वो बहुत अप्रिशिएट किया, बट उसके लिए उसको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल था. फिर मैंने थोड़ा अलग बनाया वो किताब के लिए. वो किताब का कॉपी गायब हो गया. अरे नाउ आई डोंट फाइंड इट. अरे जो मैंने किताब में इलस्ट्रेट किया. अच्छा वो हुआ पोलैंड से कोई एग्जीबिशन करने ले गए थे. अच्छा ये डिजाइनर्स बुक का वापस भेजा ही नहीं. जो आपने उसकी प्लेट्स बनाई एचिंग में, वो प्लेट्स हैं आपके पास या वो भी नहीं है? भाई प्लेट्स मुझको लग रहा है मैं देशराज को दिया होगा. हाँ अच्छा अभी ये सब कहाँ पड़े? हाँ नहीं मिलेंगे अभी तो. वैसे हमारी लाइब्रेरी में है एक वो. तुम्हारे लाइब्रेरी में नहीं है, सेंट्रल लाइब्रेरी में. हाँ वहाँ है एक. शामिल साहब से पूछना. पूछूंगा उसको मालूम होगा. हाँ ठीक है. ये जामिया ने 1970 में गोल्डन जुबली मनाई अपनी, और यू आर द इंचार्ज ऑफ एंटायर डेकोरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. और उस जमाने में आपने कहीं लिखा कि कुमार ने कुछ पेंटिंग्स दी एग्जीबिशन करने के लिए, तो और उसी पेंटिंग का जो नतीजा निकला वो ये कि हमने फिर आर्ट गैलरी बनी वहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. हाँ वो ये तो कुमार ने 1970 उसने अपना मॉडर्न आर्ट गैलरी बंद कर दिया, और उसके बाद उसने एंटीक डीलिंग शुरू कर दिया मिनिएचर वगैरह. इसलिए मॉडर्न आर्ट से कुछ उसको मिल नहीं रहा था. तो जब बंद किया था तो बहुत सारे पेंटिंग सब आर्टिस्ट का काम बहुत पड़े थे उनके वहाँ. हम उसको बोलते हैं यार इतना कूड़ा कबाड़ा पड़े, मैं क्या करूँ पता नहीं, ऐसे बोलते थे. उस वक्त वैल्यू तो है नहीं था. तो मैंने कहा ऐसा करना, जो नहीं चाहिए मुझको दे दो. मैं जामिया में एक मैंने स्टूडेंट्स को दिखाने के तो उसने पता आई डोंट नो हाउ मेनी दे बट आई थिंक अबाउट 70. सो ऑल दीज वर्ड्स ही गेव ही वाज जनरस टू गिव जनरस एंड ही आल्सो वांट टू गेट रिड ऑफ दैट. उस वक्त तो वैल्यू कुछ नहीं था. तो ये मैंने लाया. उसके अलावा मैंने परिदर्शन मेरे फ्रेंड थे कलकत्ता में उनसे कहा आप इसका एक इंट्रोडक्शन लिखिए. अच्छा कंटेम्पररी इंडियन आर्ट का ये जो वर्क है उन्होंने एक अच्छा ऐसे बनाया लिखा. तो उस वक्त प्रिंट करने का पैसा नहीं था. कलम साहब उसको साइक्लो स्टाइल करके कॉपीज रखा था. तो वो जो लाइब्रेरी का रूम अभी का जी उस मेन रूम और साइड में दो क्लासेस, एक तो बड़ा क्लास और एक सर, उसमें मैंने इसको सारा डिस्प्ले किया. फिर थोड़ा सा पैसा कलम साहब से मैंने निकाला ये स्टैंड बनाने के लिए. अच्छा तो गुरमीत ने ओपनेबल स्टैंड बना दिया. ओके अच्छा बनाए थे स्टैंड बनाया. फिर स्ट्रेचर बना के उसमें गर्नी बैग स्ट्रेच कर दिया. मुझे याद है जी बिल्कुल उसमें तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन एग्जीबिशन था. प्रोफेशनली किया हुआ तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट इज व्हाट हैपेंड. उसके बाद उसको वो मैंने हमने बहुत केयरफुली एक अलमारे के अंदर सब गोदरेज अलमारे में रखा था. फिर बाकी लोग भी कुछ पेंटिंग इधर उधर से मिला वो भी रखा था. अभी पता नहीं क्या हाल है. तो फिर आपने गैलरी का भी तो आइडिया दिया ना पूरा बनाने का. ना गैलरी का तो मैंने उस वक्त भी सोचा था. एक्चुअली जामिया में एक प्रॉपर आर्ट गैलरी होना चाहिए. दो तीन चीज़ें हैं. एक तो
university students should see art, mm-hmm. you know, even if you are science students. So that should be regular shows mm-hmm. in the campus. तो जैसे कैंटीन के पास ही बनाया जी फॉर्चुनेटली तो उधर लड़के लड़कियाँ सब बैठे रहते हैं तो उन लोग उसके अंदर चक्कर काटे टेस्ट नहीं है इंटरेस्ट नहीं है पांच बार जाने के बाद वो टेस्ट हो जी फिर इंटरेस्ट हो जाएगा फिर और केयरफुली देखने लगेंगे तो ये एक ट्रेनिंग है हमको ये नहीं सोचना आर्ट आर्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है नहीं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए अकेला नहीं है सारे स्टूडेंट्स के लिए तो जामिया में छोटा प्राइमरी स्कूल से लेकर सब गैलरी में जाना चाहिए पेंटिंग देखना चाहिए और पेंटिंग का लैंग्वेज समझना चाहिए जी। तो जैसे उर्दू सीखना पड़ता है जी। वैसे पेंटिंग को भी देखने का तरीका सीखना पड़ता है वो बातों से नहीं होता देखने से होता तो पांच पेंटिंग जैसे पांच आदमी और पांच औरत खड़े और किससे पूछें कौन अच्छा कौन सा आदमी अच्छा लग रहा है और कौन सा औरत अच्छा लग रहा है तो लोग इमीडिएटली कहेगा ये अच्छा लग रहा है पेंटिंग भी ऐसे है जी बिल्कुल तो व्हेन यू डिस्प्ले पेंटिंग इन द गैलरी तो गैलरी में तुम घूम रहे हो जो अच्छा पेंटिंग है जो हर इंडिविजुअल का अलग होता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है जैसे मैं यूरोप में गैलरीज गया हर गैलरी में जाओगे जो वैन गॉग का पेंटिंग मुझको ऐसे बुलाते हैं जी तो इतना पावरफुल है वो काम तो हर काम में कुछ दम है तो वो बुलाने का भी ताकत है उसका बट डिपेंड ऑन टेस्ट यू नो लाइक जो देखने वाले हैं वो क्या चाहते हैं उसी के मुताबिक होता है बट इसके अलावा आर्ट एडुकेशन का कोई तरीका नहीं है इफ यू आस्क मी तुम कितना भी लेक्चर दे दो कितना भी भाषण दे दो पेंटिंग को देखने का एक तरीका नहीं आते म्यूजिक को सुनने का तरीका नहीं आते भाषण से नहीं चलेगा ठीक बात है बिल्कुल ठीक तो अभी पोस्ट मॉडर्न आर्ट इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इसलिए वो तो मैं कुछ कर नहीं सकते पोस्ट मॉडर्न आर्ट इज अ काइंड ऑफ ए मूवमेंट विच इज हाउ लॉन्ग इट विल स्टे आई डोंट नो बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द चेंज फैशन कुछ दिन के बाद वो भी चल जाएगा जैसे इंडियन आर्ट सीन में बहुत सारे तंद्र आर्ट आ गया ये रियलिस्टिक आर्ट आ गया ये एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट चलते ही चलता है वैसे बट बेसिकली ये पेंटिंग इज ए विजुअल आर्ट तो उसको वर्बल माने वर्ड से बदलना लॉन्ग रन में वो चलते नहीं चलता ठीक बात अच्छा सर आपका आपने अबाउट 27 ईयर्स आपने जामिया में पढ़ाया 28 पढ़ाया आपने जामिया से बड़ा ताल्लुक बना आपका वहाँ पे और अभी तक आपका ताल्लुक है मैं जब भी आपसे मिलता हूँ बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ताल्लुक तुम्हारे साथ है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है यू आर स्टिल विद जामिया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे ही नहीं जितने भी कॉलेज में आपके स्टूडेंट्स हैं वो आज कोई किसी पोजिशन पर कोई किसी पोजिशन में इवन जो लोग टीचर्स कॉलेज में भी हैं वो लोग भी जो रिस्पेक्ट आपके लिए है उन लोगों के दिलों में वो बहुत हाई रिस्पेक्ट है और जामिया कम्युनिटी में तो है ही सारा कुछ अब ये जो साल हमारा चल रहा है ये जामिया का सेंटिनरी ईयर 100 साल जामिया ने पूरे किए मैं चाहूँगा आप कोई मैसेज ऐसा दें जो आने वाली जनरेशन्स को समझ में आए कि जामिया कैसी थी और जामिया को और कैसे आगे बढ़ना चाहिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है जामिया मिलिया बाकी अलीगढ़ या उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंपेयर ना करें नंबर वन नंबर टू जामिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पीपल हु वेर ट्रू लवर्स ऑफ इंडिया यू नो दे वर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे वर ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया तो उसके वजह से उनका जो अटैचमेंट है
that was pioneered by people like Gandhiji. And even the basic education in the teachers' college, it was Gandhiji's idea of having such a program for our teachers and things like that. Jamia was built on a very noble, you know, ideals. Jamia was supposed to be not a big university. If you ask me, Mujib Sahib was against development of the university because he knew when it is small, you can have a family. Everybody knows each other. But the moment it grows, same thing happened in Shantiniketan. When it grows, when it becomes too much of people and too much of students, too much of staff, too much of salary, too much of, you know, positions, then, you know, the kind of brotherhood, which was the original spirit of the place, get lost. Then, you know, places like Jamia or Shantiniketan, I believe, people should take small salary and work. So there is a dedication to it. If you want big salary, you go to Delhi University or other university. But those who love the ideal of Jamia, those who love Shantiniketan, they should take small salary, not aim for such, you know, middle class ambitions, and go and dedicate to the upliftment of the students and bringing them to a great humanistic level. Exactly. I'm emphasizing this. Yeah. Humanism is the greatest thing one has to learn. One has to learn everybody's body is sane. Exactly. Everybody gets art. Mm. Everybody's mind is good. Mm. You know, everybody, if you love, they will give you love. You cannot buy love by hatred. Exactly. You know, these are the things. You know, I never felt I'm a Hindu. I'm living in Jamia. Everybody treated me as a good person, that's all. Mm-hmm. I also looked at anybody, they were like, you are part of my family. But you are like my son, so that's it. There it ends. So, if you have that vision, then this society will not be that bad. Mm-hmm. So Jamia is one of the rare institutions which had this ideal. So, it is the duty of you people and the younger generation students to keep it up and always stand for truth and, you know, goodness. Mm-hmm. That's all. Shukriya sir, thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके. मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया जब आप पढ़ाया करते थे हम लोगों को. और मुझे मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे पुराने आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे इस कॉल को. अच्छा, ओके सर, थैंक यू. अच्छा, थैंक यू.